हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने के बारे में बताऊंगा कि अपना स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं लास्ट तक वीडियो देखेगा बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ना ही अच्छी लगती तो बिल्कुल बेसंकोच आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, उसमें मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ। सो गाइज, आज मैं आपको दिखाऊंगा लाइफ प्रूफ कि अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस अपने घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्लीट प्रोसेस पूरा हुआ है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाइड हुआ या नहीं वेरीफाइड हुआ है। ये आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाया। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ बिल्कुल लास्ट। सबसे पहले दोस्तों हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे sarkaririzalt.com टाइप करेंगे। सरकारी रिजल्ट खुलते ही उसका पहला वेबसाइट जो होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद हम यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म पे जाएंगे। यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2021, उसके बाद एक नया बॉक्स आएगा। स्क्रॉल करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक करेक्शन का होगा और एक लॉगिन का होगा। हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे, दोनों में से हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद 3 डॉट दिया गया कॉर्नर पर, इस 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। अब स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। यदि आपका फ्रेश है तो फ्रेश पे क्लिक कीजिए, रेनुअल है तो रेनुअल पे क्लिक कीजिए। मेरा रेनुअल है, मैं रेनुअल पे क्लिक करके तुम्हें चेक करवा रहा हूँ। इसके बाद एक नया डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जहाँ पे हमको डालना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना वेरीफिकेशन पासवर्ड। यदि आपका फ्रेश है तो आपके पास पासवर्ड होगा, यदि आपका रिन्यूअल है, आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट करके भी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नई वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। पासवर्ड टाइप करें, कैप्चा कोड डालते हैं, ओके, देन अब सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं। उसके पहले एक बार हम अपना इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे कि हमारा सही से रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड भरा गया है या नहीं। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। चेक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, हमारा फॉर्म खुल करके आ गया है। हम इसको जूम आउट करेंगे, कॉर्नर पे दिया हुआ हरे कलर से आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए क्लिक करें, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद हमारा एक नया डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, वोडाफोन का है, सो थोड़ा वेट कर लेते हैं। आपका फास्ट चलेगा क्योंकि आपका 4G मोबाइल होगा। ओके, बैक हो गया। फिर से हम क्लिक करेंगे आवेदन पत्र की से जानने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं,
ये हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल करके आ चुका है। यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा स्कॉलरशिप कंप्लीट प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ है। बिल्कुल लाइव दिखाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, इंस्टीट्यूशन कंप्लीटेड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाय ऑफिसर, यहाँ पे दिखाया गया है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन, वेरीफाइड दिखाया गया है। यहाँ पे डेट भी दिखाई जा रही है। सो गाइज, मेरा इंडस्ट्री वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। सो गाइज, यदि आपका पासवर्ड भूल गया है, आपका रिन्यूअल है, पासवर्ड भूल गया है, तो उसके लिए मैं नया वीडियो बना करके डाल दूंगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा करके आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो अपना पासवर्ड भी प्राप्त कर लीजिएगा। सो गाइज, अभी हमारा इसमें से बाकी है प्रेजेंट स्टेटस, मतलब कि हमारा स्कूल का अटेंडेंस अभी वेरीफाई करना बाकी है। यदि हमारी अटेंडेंस 75% होना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहीं से हमारी स्कॉलरशिप की नींव बनती है। सो वाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।